हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। पालक तो घर में अवेलेबल रहते ही है, तो इसलिए आज हम बनाएंगे पालक पनीर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए। तो देख लेते हैं रेसिपी। मैंने ले लिया 150 ग्राम के करीब पनीर। पनीर को बड़े टुकड़ों में मैंने कट किया। इसके बाद मैंने ले लिया 3 बड़े चम्मच फ्रेश अमूल क्रीम, और यहाँ पर है 250 ग्राम के करीब पालक। पालक को मैंने ऐसे कट करके रखी हूँ और धो के भी। मैंने ले लिया टमाटर ऐसे क्यूब शेप में कटा हुआ। प्याज ले लिया मैंने, और ले लिया 3 से 4 कलियाँ लहसुन और थोड़ा सा अदरक, और चाहिए 4 से 5 हरी मिर्च। इस सब का हम पेस्ट बनाएंगे। और सूखे मसाले में चाहिए 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक ले लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, और चाहिए 1/2 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। पहले पालक को बॉईल करूंगी, इसलिए मैंने एक सॉस पैन बिठा दिया और इसमें मैंने दे दिया 1 बड़े कप के करीब पानी, ताकि पालक जो है वो डूबे रहे। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया 1/2 टीस्पून के करीब नमक। अब मैं पालक को ऐड करूंगी और इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि पालक जो है वो बहुत अच्छे से बॉयल हो जाए। तो मैंने सारे पालक को ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। आप चाहे तो 1-2 बार इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए, 4-5 मिनट बाद पालक जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं ये जो गर्म पनी है इसको हटा के एक छन्नी से मैं पालक को ऐसे सेपरेट कर रही हूँ। और मैं इसी वक्त क्या करूँगी, पालक को थोड़ा सा ठंडा पानी से भी धो के रख दूँगी, वरना पालक जो है वो बिल्कुल गल जाएगा। तो मैंने इसको अलग से छन्नी में रख दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये वाला स्टेप तो बहुत आसान है। तो पहले फ्राइंग पैन को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। इसके बाद मैं ऐड कर दिया 1 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब जैसे रिफाइंड ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, मैं टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च सब कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दूँगी। पहले इसको सौते करना है 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। तो फ्लेम को मैं रखूँगी लो मीडियम पे, ताकि नीचे से वो जल ना जाए। तो आपको बहुत अच्छे से इसको थोड़ा सा सौते करना है। जैसे इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा निकल जाएगा, तब मैं इसको एक मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाऊँगी। तो मैंने क्या किया, वो मीडियम वाला जार यूज़ किया। इसमें मैं पहले से बॉयल किया हुआ पालक को भी ऐड कर दिया, और साथ ही साथ जो मैं अभी सौते किया सारे वेजिटेबल्स उसको भी मैंने ऐड कर दिया, जैसे कि टमाटर, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च। अब मैं इसका एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी। दोस्तों, इस पेस्ट बनाने के टाइम कोई पानी यूज़ ना करें। तो देखिए, ये जो पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इसमें थोड़ा सा मैंने तेल ऐड किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तेल थोड़ा सा कम है। तो मैंने जीरा दे दिया। जैसे जीरा हल्का सा रोस्ट हो जाएगा, मैं इसमें ऐड कर दूँगी बना हुआ पालक का पेस्ट। तो अब फ्लेम को मीडियम पर रखना है और पालक के साथ बहुत अच्छे से तेल को मिक्स करना है। ऐसे ही मैंने पालक को मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। जो हमने मिक्सिंग जार में पालक को पेस्ट किया था, उसी जार में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके रेसिपी में डाल दिया। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको स्पून की मदद से मिक्स करना है। फ्लेम को मीडियम पर रखना है। इसी साथ क्या होगा, ये जो ग्रेवी है वो धीरे धीरे इसमें उबल आ जाएगा, और मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे सूखे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आपको डालना है। दोस्तों, और एक बात आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, पालक बॉईल करने टाइम मैंने थोड़ा सा नमक यूज़ किया था, तो वो बात आपको ध्यान में रखना है, ताकि सब्ज़ी में ज़्यादा नमक ना हो जाए। तो सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया, और साथ ही साथ मैं ऐड कर दूँगी अमूल फ्रेश क्रीम। ये देने से ये रेसिपी का टेस्ट दुगना हो जाता है, तो आप कोशिश करना कि इसको ऐड करने के लिए आप चाहे तो थोड़ा सा बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ग्रेवी में उबल आ जाएगा, मैं पहले से कटा हुआ पनीर को ऐड कर दूंगी,
और ग्रेवी के साथ बहुत अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, लेकिन फ्लेम को रखूँगी लो मीडियम पे। दोस्तों और एक बात, रेसिपी को ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिए वरना इसका जो हरापन है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए एकदम ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसको नान, कुलचे, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।